तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफिशियल वर्ब के बारे में, ऑफिशियल वर्ब। ऑफिशियल वर्ब बहुत से होते हैं, लेकिन यहां हमको खुद से देखना है, मेक, गेट और हैव। इनका प्रयोग हम कॉसेटिव में कैसे करते हैं? कंपेयर का भी प्रयोग होता है कॉसेटिव में, लेट का भी प्रयोग होता है कॉसेटिव में, परमिट का भी प्रयोग होता है, अलाउ का भी प्रयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से हमको देखना है मेक, गेट और हैव। तो सबसे पहले भी कॉसेटिव वर्ब है क्या? कॉसेटिव वर्ब में सब्जेक्ट किसी काम करता नहीं है। कॉसेटिव वर्ब तब होता है जब उसमें सब्जेक्ट किसी काम को करता नहीं है, वो काम करने का कारण बनता है और काम किसी दूसरे के द्वारा होता है, स्वयं सब्जेक्ट उसको में किसी काम को नहीं करता है, उसी को हम कहते हैं कॉसेटिव वर्ब। अब एक हिंदी के एग्जाम्पल से इसको समझिए कि वह पत्र लिखता है और वह पत्र लिखवाता है। राम हंसता है, राम सभी को हंसाता है। अब देखिए, यहां है पत्र, ये आपका ऑब्जेक्ट है और वर्ब आपका है लिखना, लिखने का काम, तो लिखने का काम वह करता है, तो ये कॉसेटिव नहीं है। वह पत्र लिखता है तो लिखने का काम वह करता है, तो यह हमारा कॉसेटिव नहीं है। और वह पत्र लिखवाता है, कहने का मतलब कि वह स्वयं नहीं लिखता है पत्र, किसी और से लिखवाने का काम करता है, तो यह हमारा कॉसेटिव वर्ब है। सेकंड में देखिए, राम हंसता है, हंसने का काम कौन करता है? राम करता है, तो यह हमारा कॉसेटिव नहीं है। राम सभी को हंसाता है, तो राम कारण बनता है, राम स्वयं नहीं हंसता है बल्कि सभी लोग जो ये हैं, ये लोग हंसते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द सब्जेक्ट ऑफ कॉसेटिव वर्ब काउच somebody else to do something। कॉसेटिव वर्ब में सब्जेक्ट जो है ये किसी को काम करने का कारण बनता है, चाहे उसको कंपेल कर दे, उसको रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको फोर्स कर सकता है, मतलब स्वयं काम को नहीं कर सकता है, बिल्कुल दूसरा आदमी काम करता है, उसी को हम कहते हैं कॉसेटिव वर्ब। अब हमारे पास तीन वर्ब हम लेके चलते हैं, गेट, हैव और मेक। तो हम मेक का यूज कब करते हैं और गेट का यूज कब करते हैं और हैव का यूज कब करते हैं? तो छोटा छोटा एग्जांपल से इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे मेक। सबसे पहले हमारा वर्ब है मेक। मेक का यूज हम कब करेंगे? तो मेक में हम पहला देखें कि होता है सब्जेक्ट, और यहां लिखेंगे मेक, यहां लिखेंगे ऑब्जेक्ट, यहां लिखेंगे बेयर इंफिनिटी। बेयर इन्फिनिटी, बेयर इन्फिनिटी पहले बताया हुआ है, भीमन होता है। कहने का मतलब कि यहां से एक हमारा टेंस हो सकता है,
लेकिन ये हमारा टेंस नहीं हो सकता है, तो नॉन फाइनाइट में चला गया। यहाँ जब भी आएगा मेक के साथ, यहाँ जब भी आएगा तो भी बन ही जाएगा, लेकिन कब जाएगा, जब ये एक्टिव में होगा। एक्टिव में यदि इसी को हम पैसे में लिख दे तो हो जाएगा सब्जेक्ट बी मेक और प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव हमारा क्या है, तो प्लस विमान। अब कुछ एग्जांपल से देखिए कि मेक का यूज कब करते हैं, जब सब्जेक्ट किसी काम को दूसरे से करवाता है। ध्यान से सुनिए इसको, जब सब्जेक्ट किसी काम को दूसरे से करवाता है और स्वयं उसको में भाग लेता है, वह खुद भी उसमें भाग लेता है, तो वहां पर हम मेक का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट किसी काम को दूसरे से करवाता है और स्वयं भी उसमें भाग लेता है, तो वहां पर हम मेक का प्रयोग करेंगे। अब जैसे देखें, हम लिखे कि वह बच्चों को हंसा दिया। अब देखिए कि ये जो हमारा डूअर क्या कहते हैं, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में हाँ हंसने का काम बच्चा किया, वह तो नहीं किया, वो तो कारण बना बच्चों को हंसने के पीछे। आखिर क्यों बच्चे बने, क्यों बच्चे हंसे, तो उसका कारण वह रहा, वह कुछ ऐसा काम किया होगा, कुछ ऐसा चीज सुनाया होगा जिसके चलते बच्चे हंस गए। तो यह पास्ट डेफिनेट टेंस में है, तो ये हो गया ही मेड दी चिल्ड्रेन। अब देखिए आई मेड दी चिल्ड्रेन, यहां आपका क्या आ रहा है, बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव करने का मतलब कि भीवन, तो यह हो जाएगा लाव। यहां पर हम गेट का प्रयोग नहीं करेंगे। जब सब्जेक्ट किसी काम को दूसरे से करवाता है और स्वयं भी उसमें भाग लेता है, तो वहां हम मेक का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कि ही मेक सीता वीप, और सीता को रुला दिया, तो रोने का काम तो सीता की, लेकिन रोई क्यों, इसके पीछे कारण रहा है ही, तो ही तो कॉज बतलाता है। इसको आप कॉज का भी यहां पर हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं कि ही कॉज सीता, लेकिन कॉज लिखेंगे तो इसको इन्फिनिटिव देना पड़ेगा, टू भी टू देना पड़ेगा। अब देखिए कि यदि हम लिख देते हैं कि बच्चों को हंसाया गया, बच्चों को हंसाया गया, तो ये तो पैसिव वॉइस में है, इसमें डूअर है नहीं, बच्चों को कौन हंसाया, ये तो कहीं डूअर है नहीं इसको में, तो क्या बन जाएगा, दी चिल्ड्रेन वेयर मेड टू लाफ। इसलिए कि पैसिव वॉइस में जब सेंटेंस चला जाता है, तो पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया के पहले बी का कोई ना कोई रूप जरूर आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो चिल्ड्रन के साथ यहाँ बी के रूप में वेयर आया, मेक का भी थ्री मेड हो गया, लेकिन यहाँ जो हमारा वेयर इंफिनिटी था यह फुल इंफिनिटी में पैसिव वॉइस में बदल जाता है। अब यदि इसको हम एग्जाम के दृष्टिकोण से देखें, तो हम लिखें कि मोहन वॉच making his father, यहां खाली है, हमारे पास ऑप्शन आ रहा है walk, walking,
और वॉट। तो अब देखिए कि मोहन वाज मेकिंग हिज फादर, मोहन अपने पिताजी को टहला रहा था, तो टहलने का काम इसके फादर कर रहे थे, लेकिन टहलने के पीछे कारण मोहन बना हुआ था, तो टहलाएगा तो मोहन स्वयं उसको में भाग लेगा। तो जब तो एक्टिव वॉइस नहीं, इसलिए कि इसमें तो डूअर है मोहन, काम कर रहा है टहलाने का मोहन, तो जब एक्टिव वॉइस में मेक रहता है तो इसके साथ क्या हम यूज करते हैं, वेयर इंफिनिटिव, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वॉक। अब हम समझते हैं कि मेक के प्रयोग में कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट में हम पढ़ते हैं, हमारा है गेट, तो गेट भी हमारा ऑफेटिव है, ऑफेटिव के रूप में हम गेट का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मेक का भी बहुत अर्थ होता है, वैसे गेट का भी बहुत अर्थ होता है। गेट का हिंदी आना होता है, गेट का हिंदी होना होता है, बहुत होता है, लेकिन हम यहां पढ़ रहे हैं गेट का यूज ऑफेटिव वर्ब के रूप में। तब जो हमारा ये गेट है, गेट और है, ये दोनों एक है, लेकिन इसके यूज में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। कैसे आता है कि इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वीवर। वीवर करने का मतलब क्या, बेयर, टू प्लस वीवर और ये हो जाएगा सब्जेक्ट और प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वीवर। अब देखिए जब गेट लिखते हैं तो यहां इन्फिनिटिव आता है, लेकिन जब हैव लिखते हैं तो यहां पर क्या आता है, वीवर आता है। लेकिन ये दोनों के लिए शब्द क्या है, ये एक्टिव में होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को होना चाहिए। तो एक्टिव वॉइस में होने के लिए क्या हो जाएगा, ये दोनों डूअर हो जाएगा, डूअर हमारा यहां हो, यहां पर हो जाएगा। लेकिन जब इसी को पैसिव में लिखे तो हो जाएगा सब्जेक्ट, और पैसिव में आप गेट लिखिए या हैव लिखिए, उसके बाद हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन ये हमेशा हो जाएगा वी। कब, पैसिव वॉइस में, पैसिव में। एक्टिव में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक्टिव में क्या है कि जब हम गेट लिखते हैं तब तो यहां आ जाता है इन्फिनिटिव, हैव लिखते हैं तो आ जाता है वी वन। लेकिन यदि एक सेंटेंस पैसिव में होता है तो हम गेट लिखें या हैव लिखें, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा वी का ही प्रयोग होता है। अब देखिए कि गेट का यूज कहां करते हैं, मेक का प्रयोग वहां करते हैं जहां सब्जेक्ट किसी काम को दूसरे से करवाता है और स्वयं भी उसको में भाग लेता है। लेकिन गेट का प्रयोग या एट का प्रयोग हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट किसी काम को कंप्लीटली दूसरे से करवाता है, स्वयं उसको में भाग नहीं लेता है। अब जैसे हम कहते हैं कि राम ने सीता से गवाया, अब देखिए कि इसमें क्या लिखिएगा कि राम ने सीता, सॉरी सीता से, क्यों कि यहां तो दो ही है, एक राम है और एक सीता है। राम हमारा कॉज है और डूअर इसका सीता है। राम कारण बना ताकि सीता गाई, चाहे सीता को कंपेल कर दिया गाने के लिए या ऑर्डर दिया या रिक्वेस्ट किया, कुछ तो किया, उसको फोर्स भी किया होगा तो सीता गाई। अब देखो कि किसी को क्या कहेगा, अपने मित्र को कह रहा है देखो सीता नहीं गा रही थी लेकिन मैंने उससे गवाया। तो यहां पर हम गेट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर हम मेक का प्रयोग करेंगे। लेकिन गेट का प्रयोग हम तब करेंगे या हैव का प्रयोग कब तब करेंगे जबकि काम तीसरा आदमी करता है,
जबकि काम एक तीसरा आदमी करता है। जैसे हम लिख दें कि वह एक पत्र लिखवाया। अब देखिए कि वह है, इसको हम यहां रखते हैं, अब पत्र लिखवाया, तो पत्र लिखने का काम तो किसी और को और के द्वारा हुआ होगा, या इसको और छोटा हम कर देते हैं समझने के लिए, थोड़ा सा आप समझिए कि हम लिखते हैं कि वह सीता को पिटवाया। अब देखिए कि वह कारण बना, सीता की पिटाई हुई, लेकिन पीटने का काम वह सीता नहीं की है, पीटने का काम एक तीसरा आदमी किया है, तो ये एक्शन कंप्लीट दूसरे व्यक्ति के द्वारा हुआ है। सीता ने कुछ नहीं किया, सीता तो स्वयं ऋषि की, सीता की तो पिटाई हुई, तो यहां पर हम गेट का प्रयोग करेंगे, यहां पर हम मेक का प्रयोग नहीं करेंगे, हो जाएगा पर पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है, तो ही गॉट सीता, और जब गॉट सीता लिखते हैं तो देखिए हमारा डूअर नहीं है, ये तो हमारा नॉन डूअर है, यहां पर ऑब्जेक्ट पैसिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, नॉन डूअर, ये तो डूअर कभी होगा नहीं, तो देखिए सीता यहां डूअर है नहीं, इसलिए किसी को पीटने वाला है वो अंडरस्टूड है, तो ही गॉट सीता बीटिंग, देखिए पैसे में आता है तो यहाँ क्या हो जाता है, पैसे में यहाँ आता है भीतरी, तो इस आधार पर हम देखते हैं कि हमको सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं। अब हमको लिखना है कि सरकार नई नई सड़कें बनवा रही है, किसी भी टेंस में इंपरेटिव में कहीं भी आप इसको लिख सकते हैं, सरकार नई नई सड़कें बनवा रही है। अब देखिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो सड़क तो हमारा नन डूअर है, तो ये पैसिव में चला गया, आई काम सड़क बनाने का कंप्लीट थर्ड पर्सन कर रहा है, यहाँ सरकार कुछ नहीं कर रही है, उसको मैं सरकार बिल्कुल शामिल नहीं है उस काम को करने में, तो यहां हम गेट का प्रयोग करेंगे कि द गवर्नमेंट इज सिंपल पर सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इज लग गया तो यहां गेटिंग हो जाएगा, गेटिंग ऑब्जेक्ट इसका है न्यू रोड्स। अब यहां पर देखिए कि बनवा बनाना है, तो बनाना का अंग्रेजी बिल्ड होता है, इसका भीतरी क्या हो जाएगा बिल्ड, हाँ चूंकि यह पैसिव वॉइस में है तो आप यहाँ गेटिंग के जगह पर हैविंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, कहीं से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, द गवर्नमेंट इज गेटिंग न्यू रोड बिल्ड, द गवर्नमेंट इज हैविंग न्यू रोड बिल्ड, क्लियर हो गया। अब जब इसको दूसरे ढंग से देखें, कुछ सेंटेंस दें और देखें कि किसने हमने सही भाव का यूज किया है, और देखिए कि जैसा कि आप लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव निकाल देते हैं कि आई गेट माई सर्वेंट माई शूज डेली, ऑप्शन है आपका पॉलिश टू पॉलिश
पॉलिसिंग पॉलिस्ट, इसी को हम लिख दें आई हैव माई सर्वेंट माई सोच डेली, और इन दोनों के लिए हम एक ही ऑप्शन देते हैं। तो यहां देखिए कि मैं अपने नौकर से अपना जूता प्रतिदिन पॉलिश करवाता हूं, तो जूता पॉलिश करने का काम मेरा नौकर करता है, जूता पॉलिश करने का काम दोनों में नौकर करता है, इसलिए दोनों में डूअर है, दोनों में डूअर है। तो जब दोनों में डूअर है तो ये दोनों सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। तो जब गैप लगाते हैं तो एक्टिव वॉइस में किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो ये आ जाता है इन्फिनिटिव टू प्लस भी वन। लेकिन इसी में जब हम हैव का प्रयोग कर देते हैं तो हमारा ये वर्ब क्या हो जाता है, बेयर इन्फिनिटिव। तो बेयर इन्फिनिटिव क्या हो जाएगा, तो बेयर इन्फिनिटिव हो जाएगा पॉलिश, इसलिए इसको में भराएगा पॉलिश और इसको में भराएगा टू पॉलिश। लेकिन इसी सेंटेंस को हम पैसिव में लिख दें कि आई हैव माय सोच डेली, और नहीं तो आई गॉट माय सोच डेली। और यहां भी हमको ऑप्शन करना है, दोनों के लिए हम एक ही ऑप्शन देते हैं कि पॉलिश पॉलिशिंग टू पॉलिश और पॉलिश्ड। तो यहां देखिए कि मैं अपना जूता प्रतिदिन पॉलिश करवाता था तो जूता तो कोई काम नहीं करता था, जूता तो स्वयं पॉलिश हो जाता था, ये तो हमारा रिसीवर है, ये तो डूअर है नहीं, तो यहां ही नन डूअर है, नन डूअर, दोनों में ही हमारा क्या है, नन डूअर है। तो नन डूअर है तो ये कहां चला गया, पैसिव में चला गया। तो पैसिव में जब चला गया तो पैसिव में देखिए कि हम हैव लगाए या हैड लगाए, यहां जब भी आता है तो धर्म का तीसरा रूप भी आता है, थर्ड फॉर्म भी आता है, इसलिए पैसिव में दोनों में लिखाएगा पॉलिश्ड, दोनों में एक ही आएगा पॉलिश्ड। एक्टिव में थोड़ा डिफरेंट, आप ऐसा भी इसको में जोड़ सकते हैं कि आई गॉट माई हेयर कट, मैं अपना बाल कटवाया, तो बाल तो कोई काम किया नहीं तो कटा बाल, रिसीवर है हमारा, गूगल कोई है नहीं, तो फिर देखिए कट 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 रहता है। हाँ आप जोड़ सकते हैं बाय मोहन, मैं मोहन से अपना बाल कटवाया। तो अब हम समझते हैं कि कॉसेटिव वर्ब के प्रयोग में, जहां तक हम आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाए हैं उसको मैं विस्तार से इसके बारे में समझाए हैं, यहां भी कोई अब कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रहना चाहिए, सिर्फ वॉइस को देखना है और देखना है कि यहां पर आने वाला जो वर्ब होगा वो इन्फिनिटिव होगा या बेयर इन्फिनिटिव होगा या पार्टिसिपल होगा, विथनी होगा, और दूसरे कि कहां हम मेक का प्रयोग करें और कहां हम गेट का प्रयोग करें। मेक का प्रयोग हम तब करेंगे जब सब्जेक्ट किसी काम को दूसरे से करवाता है और स्वयं उसको में भाग लेता है, लेकिन गेट का प्रयोग हम तब करते हैं जब काम कंप्लीटली दूसरे के द्वारा होता है, उसमें सब्जेक्ट स्वयं भाग नहीं लेता है। जैसे हमको लिखना है कि ही विल
किडनैप यू, तो इसका अर्थ हुआ वह तुम्हारा अपहरण कर लेगा। अपहरण करने का काम यही करेगा, ही विल किडनैप यू, वह तुम्हारा अपहरण कर लेगा। आईसी को हम लिख देते कि ही विल गेट यू किडनैप, वह तुमको अपहरण करवा देगा, वह तुमको अपहरण करवा देगा। या ही विल हैव लिखिए, ही विल हैव, या गेट लिखिए, या हैव लिखिए, ही विल हैव यू किडनैप, वह तुम्हारा अपहरण करवा देगा। किसी के द्वारा लिख दे, बाय राम, वो राम से तुम्हारा अपहरण करवा देगा। तो ये सेंटेंस भी हमारा पैसिव का था, तो पैसिव का था, तो फिर यहां देखिए कि हमारा भी का प्रयोग हो गया। तो इन वीडियो को देखते रहिए, फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो संपर्क कीजिए हमसे, जैसा कि हर बार हम आप लोगों को बताते हैं। ऑनलाइन क्लास कंटिन्यू रहेगा, वो बंद होने की चीज नहीं है। तो इसके पहले भी जो वीडियो डाले हैं उसको भी देखिए, और जो ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं उसको भी सॉल्व कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।